ये देखिए जनाबे आली, ऐसा भी कभी होता है शुरुआत में, गलत जब आपको गोद दे दी जाए तो ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और जिनको अभी आपने भागते हुए देखा ये हैं अरशद भाई। आमतौर पे ये हमारे लिए चाय कॉफ़ी बाकी चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन कभी कभार अगर जो पेपर रह जाए तो वो भी भागते भागते देख के जाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आपका जुम्मा बेहतरीन स्टार्ट हुआ होगा और आपको गलत गेट सेट गो नहीं मिली होगी। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि हम देख सकते हैं कि जुम्मे का दिन हमारी फेथ के मुताबिक दुआएं कबूल होने का दिन है। तो हमारी सबकी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस वबा से, इस क्राइसिस से हमें जल्द अज जल्द निकाले और जो लोग इससे मुतासर हैं वो शिफायाब हों। जिन फैमिलीज़ ने अपने अपने प्यारों को इस वबा की वजह से खो दिया है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। और सबसे बढ़कर ये कि आने वाले महीना हमारे लिए बहुत अहम है, रमज़ान मुबारक की बात की जाती है। एक ख़ुशी की लहर पूरी मुस्लिम उम्मा में दौड़ गई जब हमने देखा कि फ़ाइनली दोबारा मताफ में लोगों को जाने की इजाज़त मिल गई और खाने काबा का बाकायदा जिस तरह हम हमेशा देखते आए हैं वो रौनक बहाल हो गई, तवाफ दोबारा से शुरू हो गया। पहले बहुत महदूद नंबर्स में लोग कर रहे थे, अब हम देख सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा नंबर्स में। तो उम्मीद की एक किरण है जी कि इंशाल्लाह ताला अगर इस प्रॉब्लम पे, इस क्राइसिस पे हमने काबू पा लिया तो उम्मीद यही है कि इस दफ़ा हज भी अपने मुकर्रा वक्त पे उसी तरह जैसे हमेशा उसकी शान है होगा। लेकिन इस वक्त थोड़ा मुश्किल का वक्त है और यकीनन हम देख सकते हैं, कल भी हमने आपसे शेयर किया था कि प्रोटेस्टर्स अब थोड़े से ज़्यादा एजिटेटेड फील कर रहे हैं और वो बाहर आना चाह रहे हैं। और कल भी इस बारे में कराची भर में प्रोटेस्ट हुई जब लोगों ने कहा कि जी डेली वेजर्स सिर्फ और सिर्फ राशन लेकर घर में नहीं बैठ सकते। आज भी इस बारे में बात करेंगे, लेटर ऑन इसको लेके चलेंगे। फिर हमारे पास सबसे अहम पहलू ये कि अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं, इस वक्त के नंबर्स भी मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगी। वैसे मेरा मेरा दिल ख़राब होता है पर्सनली आपसे ये नंबर्स शेयर करते हुए, मुझे लगता है हम वबा को, इस खौफ को, इस प्रॉब्लम को मज़ीद तकवीत दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा, मेरी कोशिश होती है कि हम इससे डिस्टेंस आउट करें। लेकिन अच्छी खबर जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऐलान किया है कि 17 स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएंगी 4 अप्रैल से लेके जो तारीख़ है हमारे पास, हाँ जी 4 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक ये स्पेशल फ़्लाइट्स होंगी उन पाकिस्तानियों के लिए जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त फंस गए हैं या वो वतन वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको मुश्किलात का सामना है क्योंकि फ़्लाइट सब चल नहीं रही हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान से ट्रैफिक काफ़ी लिमिटेड होता है, कुछ ख़ास मकामात के लिए होता है तो उनको कनेक्शंस मिल नहीं रहे, इनके लिए खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी चलें कि इसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि अगर ये लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो इनको क्वारंटीन में रखा जाए, पहले आइसोलेट किया जाए, देखा जाए कि खुदा ना खासा ये वायरस तो ये कैरी नहीं कर रहे। जिन मुमालिक की, जिन जगहों की बात की जा रही है उसमें सर फहरिस्त है सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और थाईलैंड। इसके अलावा इस्तांबुल, कुआलालंपुर, ताशकंद, बाकू, बगदाद, लंदन और टोरंटो से भी लोगों को, यानी पाकिस्तानी जो वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं उनको वतन वापस लाया जाएगा। अजीब कश्मकश की कैफियत है। कुछ लोग देखें काम के सिलसिले में जाते हैं या वहीं पे मुकीम हैं तो उनका सेटअप ज़रा उनको ये मेरे ख्याल में बेनिफिट देता है कि वो लामहदूद टाइम तक वहाँ पे रह सकते हैं, अगर कोई इस तरह की मुश्किल आ गई तब भी उनके पास सेटअप होता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जिनका एक सेट प्रोग्राम था कि शायद इतने टाइम तक रहना है, वो उतने ही पैसे लेके जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग जिनका रोज़गार इससे मुतासर हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही हम देख सकते हैं कि जगह जगह लॉकडाउन है। अगर लोग कमा नहीं रहे जिस तरह हमने दिल्ली के मनाजिर देखे थे, उसी तरह ये लोग भी वतन वापस आना चाहते हैं क्योंकि अनलिमिटेड पीरियड के लिए बगैर रोज़गार के सर्वाइवल इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला दिल तक पहुंचाएं। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि कराची में सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर बनाया गया एक्सपो सेंटर में। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1100 बेड्स मौजूद हैं। मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप फेसबुक पे जाके देखें, ट्विटर पे जाके देखें तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। अगर आप बतौर रज़ाकार, बतौर वॉलंटियर इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपकी कोई भी एक्सपर्टीज़ हो, यानी यहाँ पर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स भी चाहिए, सप्लाई चेन को मैनेज करने वाले भी चाहिए, डेटा एंट्री वाले लोग भी चाहिए, लोगों को गाइड करने वाले लोग भी चाहिए, अगर आपकी मेडिकल एक्सपर्टीज़ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये तमाम लोगों की ज़रूरत है बिकॉज ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। अगर आप देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ हमारे पास महदूद वसाइल हैं, एक 1100 बेड्स का फील्ड हस्पताल इस तरह बनाना, इसके लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, रिसोर्स की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, अतियात की ज़रूरत है। सो आगे बढ़िए और इस कार खैर में हिस्सा लीजिए। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की, उसका बाकायदा किया गवर्नर सिंह जनाब इमरान इस्माइल साहब ने, आइए देखते हैं।
एक्सपो सेंटर कराची बन गया फील्ड आइसोलेशन सेंटर। इस इंसानी खिदमत के मरकज का इफ्तिताह वॉलंटियर्स ने किया। गवर्नर सिंह, वजीर सेहत अजरा पेचो ने सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नर सिंह ने फंड्स अद्वियात की फरामी पर वफाकी हुकूमत के किरदार की तारीफ की। फील्ड हॉस्पिटल का आज मैंने विजिट किया, ये एक बेहद जबरदस्त किस्म का एक यहाँ पे सेटअप बनाया गया है, जिसमें खास तौर से डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वॉरियर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके साथ नर्सेज स्टाफ या जेनेटोरियल स्टाफ, वो सारे लोग जो वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। वजीर सेहत सिंह अजरा पेचो ने सेंटर्स के कयाम में पाक आर्मी और दीगर इदारों के तआवुन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान आर्मी, प्राइवेट पार्टनर्स, डोनर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, उन सब ने अपना किरदार अदा किया है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने HR में मदद की है, लॉजिस्टिक्स और सिस्टम्स को सेट करने में पाक आर्मी और डॉक्टर जो है उन्होंने काम किया है। मुंतजमीन का कहना था सेंटर आलमी इदारा सेहत की तजवीज करदा हिफाजती उसूलों के मुताबिक कायम किया गया है। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे थे ये खसूसी रिपोर्ट। और वंस अगेन मैं अपील करना चाहूँगी अपने तमाम देखने वालों से कि जिस तरह हो सके इस फील्ड हस्पताल के लिए आप अपनी सर्विसेज, अपना एक एहसास हमदर्दी प्लीज़ लेके आगे आएँ, क्योंकि हमारी कौम का हमेशा से ये शेवा रहा है कि हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ किसी भी आफत से निपटते हैं। सो नंबर वन, अगर आप अतियात देना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, वसाइल देना चाहते हैं, द फॉर्म इज़ ऑन माई सोशल मीडिया पेजेस, आप उस पर ज़रूर फिल आउट कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बताएंगे कि आज के लिए खसूसी इकदाम क्या किए गए हैं। अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो कम्प्लीट क्लॉक 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ बहुत ही अशद ज़रूरत का काम है, आपने ATM जाना है, ग्रोसरी स्टोर जाना है, कोशिश कीजिए कि आप 11:30 बजे तक ये काम अपने ख़त्म कर लें। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। काफ़ी लोगों में ये मेरे ख्याल में इस वक्त वो सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुडे ऑन फ्राइडे। आपको बताते चलें कि सिंध भर में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। आपसे इल्तिजा कर रही है सिंध हुकूमत भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी, कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए आप मसाजिद के बजाय घर में ही बाजमात नमाज अदा करें। लेकिन जुम्मे की नमाज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके लिए मसाजिद खुली होंगी, वहाँ पर अजान भी दी जाएगी, वहाँ पर खुतबा भी होगा। और जिस तरह कि अगर हम नोटिस करें, हमारे यहाँ हर गली हर मोहल्ले में आपको एक मस्जिद, एक लोकल अपनी मस्जिद मिलती है, तो मुझे यकीन है कि आप घर बैठकर भी, और जिस तरह की खामोशी आजकल है, जितना आपका घर करीब है, आप खुतबा सुन भी सकते हैं। हम अगर याद करें कि जब हम लोग उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं या हरम पाक विज़िट करते हैं, तो कई दफ़ा रश की वजह से आप अंदर एंटर नहीं हो पाते, आपको जुमे के रोज़ जगह नहीं मिलती। मुझे अपना पता है कि जब मैं जुमे के रोज़ वहाँ पे गई थी, तो मैं कोशिश करती थी कि 9 बजे जाके मैं अपनी जगह ले लूँ, बिकॉज़ उसके बाद इतना रश पड़ना शुरू होता था, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम फ्लोर्स बंद करते थे। ख़वातीन की वैसी जगह मुख्तस होती है। तो हम अम्मी के लिए, या जो हमारे साथ अगर बुज़ुर्ग ट्रैवल कर रहे होते थे, होटल अगर आपका करीब, जो सफ़े बिछती हैं इवन हरम पाक में, वो आपके होटल्स को भी क्रॉस करके सड़कों तक जाती हैं। तो कहा यह जाता है कि जितने लोग आप उस अहाते में हैं, अगर आपके पास उस खुतबे की आवाज़ पहुंच रही है, तो आप उसी जमात में शामिल हैं। इसी रूल को मेरे ख्याल में यहाँ अप्लाई करते हुए अपने अपने घरों तक अगर हम मुहित रहें, तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं, और इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इस अमल से, इस नीयत के साथ अगर हम ये काम करें, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर देंगे। लेकिन मुझे इस बात की यकीनन खुशी है कि ये रिक्वेस्ट सिंध हुकूमत ने की, जबरन कोई भी मस्जिद को बंद नहीं किया जा रहा। तो आप सबसे यही इल्तिजा है कि कोशिश कीजिए कि हम इस मर्ज पे, इस वबाबू पा सकते हैं, उसको हम लेकर चलें। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज एक और न्यूट्रिशन बेस्ड मेरे पास सवाल आ रहे थे, मैंने अपनी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, शी इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा से जानेंगे कि सिनेरियो ये है कि हमें एक ख़तरा लाहक है, एक वबा हमें पता है कि फैली हुई है, कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा ख़तरे पर हैं, यानी जिनको आम लोगों से भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं, तो ये सोचें कि अगर इस
इस तरह का कोई भी शख्स आपके घर में है, आपके ख़ानदान में है, आप ही की चार दीवारी में रहता है, तो आप उसको कितने बड़े रिस्क पे डाल रहे हैं अगर आप बाहर निकलते हैं। तो इन हिदायात पे अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपनी कुव्वत मदाफियत को इस दौर में किस तरह हम बढ़ा सकते हैं ताकि हमें अगर खुदा न खास्ता, देखिए ज़ीरो रिस्क कोई चीज़ नहीं होती, अगर हमारा एक्सपोजर हो भी जाए तो फिर भी हम इससे बचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, अपने आप को ताकतवर कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको ख़तरा है? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन यार ये कि एवरीबॉडी इज़ एट रिस्क। वेल एक्चुअली इसमें कुछ कैटेगराइज लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं। सबसे पहले बच्चे, क्योंकि बच्चों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ा निज़ाम इतना अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ होता, दे आर एट दे ग्रोइंग स्टेज, तो इसलिए वो रिस्क पर हैं। दूसरा, 65 साल से उम्र जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, वक्त के साथ उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एडवांस एजिंग प्रोसेस। और कभी कभी मल्टीपल हेल्थ कंडीशन, एग्जैक्टली, बिकॉज आपके को मॉर्बिड्स होते हैं। अच्छा, इसमें अगर वो बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ही इज़ और शी इज़ एट डबल रिस्क एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ओल्ड एज पर्सन, बिकॉज हाई ब्लड शुगर्स की भी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत हद तक सप्रेस हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आजकल के दिनों में अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन रखें विद अ डॉक्टर एंड विद अ मेडिकेशंस एंड डाइटिशंस, यू हैव टू कीप अप दैट। अच्छा, तीसरा हमारे पास आते हैं वो लोग जिनको ख़ास किस्म की बीमारी है और उस बीमारी की वजह से दे आर बाउंड टू टेक सर्टन मेडिकेशंस लाइक इम्यून सप्रेसेंट्स, जिसमें हम कैंसर के पेशेंट्स को शामिल रखते हैं, तो जाहिर है उनकी इम्यूनिटी को दबाना है, या जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जा रहे होते हैं, वो इसमें आएंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास आते कोई भी मेजर सर्जरी के बाद मेजर सर्जिकल कोई रिकवर कर रहा है तो वो रिकवरिंग फेज में, बिकॉज जाहिर है वो जो मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन एंड सॉर्ट ऑफ थिंग एक्सपोजर, तो वो जाहिर है उसकी इम्यून बूस्ट इतना नहीं होगी, और हम उनकी इम्यून बूस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं ताकि वो अपना उस हीलिंग प्रोसेस पे आ सके जिससे वो इतने टाइम तक लड़ रहे थे, ओपन वूंड्स एंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये वो पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें हम आते हैं। अच्छा, चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लोग जो बहुत एक्सट्रीम लो कैलोरिक डाइट पे हैं या इम्बैलेंस डाइट पे हैं, जैसे कि कीटो डाइट्स। ओह माय गॉड, जैसे कहने का मतलब है कि जितने लोग अगर डाइट पे थे और बड़े अरसे से कम कैलोरीज ले रहे थे, किसी फूड ग्रुप को कम्प्लीटली छोड़ा हुआ था कि जी मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा, उनको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, चूंकि उनको हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। इस कोरोना वायरस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वी आर गेटिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम इंटरनेशनल अमेरिकन लाइक एवरीबॉडी इज हेल्दी बैलेंस डाइट। जितनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला ने दिए हैं, एवरी न्यूट्रिएंट हैज सर्टेन कंपोनेंट्स जो हमें अंदर इम्यून बूस्ट कर रहा है। सो आप अगर इतने टाइम तक आप वो फैट डाइट्स पर हैं, लाइक लेट्स सपोज हाई जस्ट प्रोटीन डाइट, जस्ट फ्रूट डाइट, जस्ट वेजिटेबल डाइट, जस्ट सूप और दाल डाइट, सॉर्ट ऑफ आपने एक ही कॉम्पोनेंट मुस्तकिल देते रहे और आपने अपने आप को स्टार्व किया फ्रॉम सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सो यू आर एट रिस्क। सो यू हैव टू बिल्ड इट अप, एंड इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स नॉट अ मैजिक कि बस अच्छा चले मैं फैट डाइट्स पे थी, बस अब मैं दो दिन तक लगातार उन खानों को लूँगी एंड मिरेकल विल गोइंग टू हैपन एंड आई एम गोइंग टू सेव, बिकॉज इम्यून बूस्टिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इम्यून बूस्ट होता है। ठीक है, अच्छा तो इसको जरा रीकैप करते हैं। सबसे पहले सिद्रा ने कहा कि छोटे बच्चे एक्ट्रेस का हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। 65 साल से उम्र अगर किसी की बड़ी है तो वो एक्ट्रेस का हैं बिकॉज उनके भी इम्यून सप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी उनकी सप्रेस हो जाती है। तीसरा, अगर आपके पास कोई लिंगरिंग डिजीजेज हैं, यानी कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज अगर आपको हैं, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, हाइपरटेंशन की गोली लेते हैं, अगर आपका किडनी का कोई मसला है, आपकी लिपिड ज़्यादा थे, यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके लिए आप दवाइयां ले रहे हैं, ये तमाम हेल्थ कंडीशंस आपको हाई रिस्क पे रखती हैं। इवन अ प्रेग्नेंट वुमन इज एट रिस्क। या आई वांटेड टू कम टू दैट, बल्कि आस्क यू कि जो हामला खवातीन है इस वक्त सिद्रा, वो अपना किस तरह ख्याल रखें, और खुदा ना खास्ता मुझे ये बताइए कि अगर उनको खुद कोरोना हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो क्या, जैसे हमने देखा था एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी इन यूके वॉज रिपोर्टेड टू हैव कोरोना, क्या वो पास ऑन करती है माँ उसको, या डिस्पोजिशन क्या है इस पे? ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल देखें, दूध पिलाने इसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग दोनों मदर्स शामिल हो जाती हैं। अगर एक दूध पिलाने वाली माँ है और वो ये सस्पेक्ट की जा रही है कि कोरोना है या गॉड फॉरबिड उसको ये कोविड-19 हो गया, तो वो अपना दूध पिलाने का सिलसिला रोके नहीं, बिकॉज दूध पिलाने के बेनिफिट्स, और दूध अगर वो नहीं पिलाती और
एक्सटर्नल मिल्क, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स आर वे बियॉन्ड दैट रिस्क. सो आपका कहने का मतलब है नर्सिंग वुमन अगर उसको ये लगे कि वो एट रिस्क है या उसको कोरोना हो भी गया है तो वो नर्सिंग ना रोके. अच्छा, लेकिन वो एहतियात रखती रहेगी, लाइक वेन एवर शी इज गोइंग टू टच द चाइल्ड अगेन द प्रैक्टिस, मास्क लेकर बच्चे को दूध पिलाएगी, एट दैट मोमेंट वो ट्राई करेगी उसके सामने कॉफ स्नीज ऐसी कोई चीज नहीं हो बच्चे से, मतलब because breastfeeding is like a close contact, but uske alawa you know she has to take all the disinfect karna cheezon ko bacche ke aas paas, she'll keep doing that. bilkul sahi. acha hum Sidra se apni conversation jari rakhenge, ek chota sa break lete hain, wapas aayenge to hamare sath honge Abrar bhi, Abrar se bhi humne baat karni hai. Sidra se ye bhi janenge ki hum aksar baat karte rehte hain ki ghar mein baithe hue log overeating kar rahe hain, lekin mujhe ye bhi pata hai kal mere do teen doston se baat hui ki stress ka ye aalam hai ki khaya bilkul nahi ja raha, so people are actually so stressed and so anxious कि उनकी eating habit बिल्कुल flip भी हुई है. इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से break के बाद. आपकी ग़िज़ा सिर्फ वही नहीं होती जो आपकी पेट में है और आपके हलक से आपके नवाला बना के अंदर जा रही है, बल्कि जितनी न्यूज़, जितनी सोचें, जितनी थॉट्स आपके इर्द गिर्द हैं, वो भी आपकी न्यूट्रिशन, आपकी ग़िज़ा का एक हिस्सा होती हैं. तभी कहा जाता है ना कि जब हम खुश होते हैं तो खाना बड़ा लग रहा है. लोग कहते हैं जी एक नया फेज़ ज़िंदगी का शुरू हुआ है तो आपकी सेहत अच्छी हो गई है, भरा भरा सुर्ख व सफ़ेद आपकी रंगत हो गई है. बिल्कुल इसी तरह इस वक्त अगर हम खा ज़्यादा रहे भी हैं तब भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम में एनर्जी नहीं है, हमें लिथार्जी बहुत ज़्यादा है. और फिर एक छोटा सा पोर्शन उन लोगों का भी है जिनको वाकई खाने का दिल नहीं चाह रहा. सिद्रा अपने और हम जैसे ऑफलाइन बात कर रहे थे कि कम नंबर है, लेकिन वाकई ऐसे लोग भी तो हैं जिनको यू नो इस वक्त टेंशन के मारे भूखी नहीं लग रही, उनके लिए आप क्या कहेंगे? यार मैं अभी हम यही बैक पे बात कर रही थी, द प्रोपोर्शन जिन लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रेस में इतना ज़्यादा उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि उनकी एपिटाइट कम होना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स अ गुड पार्ट, बिकॉज ज़्यादातर लोग जिनकी एपिटाइट सप्रेस हो रही है एंड मे बी दे आर नॉट टेकिंग इनफ फूड और वो कम खा रहे हैं, और अगर वो एक हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं दैट्स फाइन. इतना वेट लॉस कम करने में नहीं यहाँ ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी का वज़न है ही 40 किलो और वो इतना स्ट्रेस ले और करे, तो मेजॉरिटी हमारे यहाँ लाइक नॉर्मल वेट से भी ज़्यादा है. एवरीबॉडी मोस्टली आप ओवर वेट और ओबेस, तो अगर वो स्ट्रेस से आप 2-3 किलो कम करें दैट्स फाइन, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास वो है चंक जो कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है. लेट नाइट आपके खाना पीना हो रहा है बिकॉज हमारी कोई लाइक रूटीन सेट नहीं है. अच्छा, क्रेविंग्स के बारे में क्या कहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये कि भूख लग रही है, बड़ी स्पेसिफिक भूख लग रही है ना, जैसे आपको ना रात के 3 बजे कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, और अगर आपके घर में उस वक्त कुछ मीठा मैसर नहीं है आपको फर्क नहीं पड़ा, आप उसी वक्त खड़े होकर कुछ बना भी रहे हैं, सो इतनी स्पेसिफिक जब क्रेविंग होती है ये क्या है? हमारी बॉडी हमें क्या कहना चाह रही है? इसकी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है माइंडलेस ईटिंग, और हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग. बहुत शॉर्टली कि हम इसे अंडरस्टैंड करें, माइंडफुल ईटिंग ये है कि मैं अपने आप से ये पूछूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्या मैं वाकई भूखी हूँ, क्या मैं बोर हो रही हूँ, क्या मुझे कोई स्ट्रेस है, या मैं किसी इमोशंस के उसमें हूँ, यानी मैं बहुत खुश हूँ. तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहती है, और किसी की बॉडी उसे रिवॉर्ड नहीं देगी एज अ फॉर्म ऑफ सैलेड की फॉर्म में, वो चॉकलेट या कोई कैलोरी डेंस चीज़ खाना चाहेगा. अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ मीठी चीज़ों की होती है? कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे हम तो कहते हैं बारिश मौसम अच्छा है तो पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है, कुछ चटपटा, आपने सुना है लोगों को कि एकदम कुछ यू नो स्पाइसी खाने की क्रेविंग हुई, ऐसा होता है? बेवक्त की भूख रिसर्च कहती है कि वो आपको कैलोरी डेंस चीजों की तरफ धकेलती है. अब कैलोरी डेंस में जिसमें हमें अच्छी खासी कैलोरीज मिल रही है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट इतना नहीं है, लाइक चॉकलेट्स, लाइक कैंडीज, लाइक डिजर्ट्स, इसके हमें ज्यादा होती है. मैं प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशंस पढ़ रही थी, उसमें था कि वो क्रेविंग ना 10-15 मिनट की बहुत जोर पे होती है, तो आप उस टाइम पर च्युइंगम खाना शुरू कर दें, शुगर फ्री च्युइंगम, उससे ये होगा कि जस्ट उस टाइम को आप पास ऑन करें. या अगर आपका मीठा खाने को दिल भी चाह रहा है तो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हो, आप कोई फ्रूट रख लें. सेकंड ऑप्शन इज कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर सक रही, तो द अदर इज कि आप अपने आप को पहले डाइवर्ट करो. ठीक है, अब ये सेकंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. मैंने डाइवर्ट किया, मैंने किसी से बात करना स्टार्ट कर दी, मे बी मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी, मैंने अपनी कोई मूवीज, कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया,
नहीं, अभी भी माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा। नंबर वन आपने कहा डिले टैक्टिक यूज करें, यानी च्यूइंग गम स्टार्ट कर दें, च्यूइंग गम स्टार्ट कर दें, या अपनी वो जो क्रेविंग है उसको किसी उस टाइम को गुजार करें। बिल्कुल सही। एंड द थर्ड पार्ट इज क्या, फिर अच्छा हैंडफुल नट्स ले लो, कोई अच्छा हेल्दी स्नैक ले लो, या डिजर्ट है ना, फ्रूट कैन ऑल्सो बी डिजर्ट, तो आप इस तरीके से अपने आप को करके आखिरी हरबा, जो मेरे जैसा इंसान जो बिल्कुल गिव अप करने पे होता है कि अच्छा जो चीज भी खाने का दिल चाह रहा है ले लो, लेकिन उसका छोटा सा पोर्शन ले लो, दो चम्मच ले लो, फिर दो पोर्शन वो कर ले। लेकिन और इसमें एक और भी है कि अगर आप स्नैक ले भी रहे हो तो दो स्नैक एक साथ अनहेल्दी ना लें। मिसाल के तौर पे मैंने चिप्स भी खा ली और मैंने आइसक्रीम भी खा ली, सो टेक अनहेल्दी स्नैक वन और उसको डायरेक्ट पैकेट से ना निकालें। जैसे कोई चिप्स का पैकेट है तो आपको पोर्शन कंट्रोल, आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा आउट ऑफ वही बात है, अपने आप को थोड़ा सा एक यू नो जैसा कहा जाता है दिल तो बच्चा है, इस बच्चे को थोड़ा बहला कर रखें। हमारे साथ अब मौजूद हैं अबरार उल हक, आप उनको जानते हैं एज अ वेरी फेमस पॉप सिंगर ऑफ पाकिस्तान, म्यूजिक से भी इनका लगाव है, फिर इसके अलावा सियासत में, पब्लिक लाइफ में, फिलान्थ्रोपी में भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार फॉर बींग हेयर टूडे। मुझे ये बताइए, आप भी पेश हैं इस क्राइसिस के वक्त में, ये जो चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है और अब हम जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि अगले 10 रोज़ हमारे लिए बड़े अहम हैं, इस पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपका क्या तज्जिया है कोविड 19 के चैलेंज के हवाले से? जी बिल्कुल सिदरा, सिचुएशन आपके सामने है, मेरे सामने है, लम्हा बलम्हा पूरी दुनिया में ऐसी ही सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिलसिला है जी, हम बात हो रही हैं और हमने तो सारी ज़िंदगी में अपना ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरा ख्याल है हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा और अल्लाह ना करे कि आने वाले हमारी नस्लें भी कुछ ऐसा देखें। सही। एक नाइटमेयर सा लग रहा है हमें। यस। और अल्लाह जल्द अज जल्द हमारी इससे जान छुड़ाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह के पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं है जो बाहर नज़र आती है। अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर डेथ्स की तादाद और कोरोना पेशेंट्स की तादाद बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है, शुक्र अल्लाह का कि वैसी ही सिचुएशन नहीं है। बेशक, और इस पे वो भी इंसान है। हाँ बिल्कुल, और हमें जितना अदा करें इस वक्त कम है। अबरार मुझे ये बताएगा कि शाम हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि 17 खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी 4 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक उन पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क फंस गए हैं और वतन वापस आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सिदरा, मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए मैं भी परेशान हूँ। सच पूछे तो मेरे अपने कई रिलेटिव्स जो हैं वो फंसे हुए हैं जी, और मिस कर रहे हैं ऐसे में पाकिस्तान को, बार बार कॉल्स भी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इस वक्त अगर तो मुमकिन है तो जहाँ हैं वहाँ बैठे रहें, ताकि हफ्ते दो हफ्ते में सिचुएशन तो बेहतर होती है, तो फिर क्योंकि ट्रैवल करना बजाते खुद खतरे से खाली नहीं है, आपको गाड़ी में बैठना पड़ता है, फिर जहाज में बैठना पड़ता है, मेटल की चीज़ों को आप हाथ लगाते हैं, लोग आपके दाएं बाएं होते हैं, फिर ट्रैवल के दौरान बहुत ही जरा वल्नरेबल होते हैं आप इस तरह की सिचुएशन को और जर्म्स को। सो कोशिश करें कि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठे रहें, और अगर कुछ यहाँ के लोग सपोर्ट कर सकें उनको ताकि वहाँ उनके लिए रहना आसान हो, तो यकीनन एक अच्छी ऑप्शन होगी। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, और आपको पता ही है कि खान साहब की और हमारी गवर्नमेंट की पाकिस्तान से बाहर भी पॉपुलैरिटी है, बाहर की गवर्नमेंट्स जितने भी ममालिक हैं उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, सो आई एम श्योर कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ सपोर्ट उनके लिए ज़रूर ले। अबरार, इस वक्त एक कैच 22 की सूरत हाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, और खान साहब का जो विजडम था, जो रेजिस्टेंस थी कि हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, उसको अब समझ हम पा रहे हैं कि हमें ये मरहलावार ही करना पड़ेगा वरना इम्पॉसिबल है और मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। लेकिन एक तकलीफ़दह डेवलपमेंट ये है कि जो डेली वेजर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ जी राशन की हमें ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरियात हैं, हमें निकलने दें, हमें रोज़गार कमाना है। आप इस सिचुएशन को कैसे बदलते हुए देख रहे हैं और इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, गरीब तबका शदीद मुतासर है, और हमारे मुल्क में तो फिर देख लें कि पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन है, उनका क्या होगा? बड़े बड़े ममालिक ने घुटने टेक दिए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जज्बे में भी कमी कोई नहीं, हमने एक प्लान बनाया है कि कम्युनिटी को कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेज करना है। लाल अहमद के प्लेटफॉर्म से लोग मसाजिद में जाएंगे, ऐलान करेंगे दो तरह का, एक कि जो लोग बीमार अपने आप को समझ रहे हैं इस मर्ज में मुबतला वो भी कॉल करें इस नंबर पर, हम इंटरवीन करेंगे, और जो लोग जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो भी बताएं,
और जो खाना डोनेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा खाना बना सकते हैं, वो भी बताएं, और उन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, खाना एक जगह से वसूल करके और उसको डिसइंफेक्ट करके दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है इस तरह से हम कम्युनिटी को आपस में जोड़ेंगे तो काम चलेगा, वरना हुकूमतों के पास खरबों रुपए भी जो होते हैं वो छीना झपटी की नजर हो जाते हैं, वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग बेशुमार जमा कर लेते हैं इकट्ठा करके, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं जाता। बिल्कुल, तो हमें पकी पकाई रोटी को एक जगह से उस जगह मुंतकिल करना जहाँ उसकी जरूरत है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब ऐलान हो लाल अहमर के हवाले से आपकी मस्जिद घर के करीब वाली मस्जिद से, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिए। बिल्कुल, ये वाकई वक्त है कि हमें एज अ कम्युनिटी, एक मिनहसू कौम, हमें ना इस जज्बे के साथ इस चैलेंज के अगेंस्ट राइज करना है। और हमारे लिए मेरे ख्याल में ये भी एक खुशाइन बात है अब्रार, कि जो सियासतदान हैं उन्होंने आपसी तहफ़ुज़ात, आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रख दिया है, लेकिन फिर भी मिसक्रियंट एलिमेंट्स कहीं ना कहीं होते हैं, थोड़ी बहुत सियासत भी की जाती है मामलात पर। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का? जी, बड़े ही दिल खराश हकीकत की तरफ आपने इशारा किया है। सियासत तो हो रही है और बड़ी तकलीफ होती है कि जी आप लोगों ने क्या किया है फलां ये वो। अब फिर इधर से भी जवाब आता है कि आप लोगों ने 70 सालों में कोई अस्पताल बनाया ही नहीं है। आप, मैं नरोवाल की मिसाल देता हूँ, मुझे फोन आया और तुम राशन ही नहीं बांट रहे फलान, तो मैंने कहा अच्छा जो सरकारी अस्पताल रस्तू ने बनाया था उसमें तो सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स हैं, हमने 15 दिए हुए हैं आपको। अब आपके जो लोग हैं वो इलाज कराने के लिए वो 6 अरब रुपए वाले बड़े से स्टेडियम में जाएंगे जो वहां पे बनाया था उसने, और इलाज की सहूलत तो दी नहीं। तो हमारे पास भी बड़े जवाब है, लेकिन बात यह है कि हेड ऑफ द स्टेट के हाथ मजबूत करेंगे तो अवाम तक सपोर्ट पहुंचेगी। आपस में लड़ाई डाल देंगे, सियासत करेंगे इस मौके पे भी, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे भी हालात हैं, जो भी मसाइल हमारे रहे हैं, इसके बावजूद घरों से निकले हुए। आज मैं सुबह ही देख रही थी कि हमने पीरियोडिकली किया है, लेकिन जो खाक रोब हैं, जो बेचारे हमारे शहर की वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई सुथराई के काम पे मामूर हैं, वो भी बाहर हैं। इसके अलावा हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सबके सब बाहर निकले हुए हैं, और इस तरह के बयानात से उनका दिल, उनका हौसला भी कम होता है। तो आपसे जाते जाते बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये तमाम लोग आपके भी फैंस हैं और इस वक्त उनको भी हौसले और हिम्मत की जरूरत है। ना सिर्फ हम अपने हेड ऑफ स्टेट, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात पे लबैक कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है, लेकिन ये जो हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, जो इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए भी कुछ कहें। और उनको आपका गाना, आपका फन बहुत भाता है, तो अपने मखसूस अंदाज में अगर उनके लिए कुछ गुनगुना दें तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई होगी। जी बिल्कुल, मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं। आज कहते हैं ठिकाने लगा सरमाया इतन, ये सरमाया इसी कौम और मिल्लत की अमानत है, और जो कुछ हैं हम पाकिस्तान की वजह से हैं। तो आज जब हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे कड़ा वक्त आया है, तो हर शख्स ये सोचे बगैर कि सियासतदान क्या कह रहे हैं, मेरा किस मसलक से ताल्लुक़ है, मैं किस ज़बान को बोलता हूँ, किस पार्टी से मेरी एफिलिएशन है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ कर इस कौम की खिदमत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार हमारे साथ मौजूद होने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएँगे, कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, और आप भी इसमें
हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये भी मौका मौजूद है कि आप एक्सपो सेंटर में जाके एज अ वॉलंटियर जा सकते हैं। इसके अलावा जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको खून के एहतियात की ज़रूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हाजी अनीत। लेकिन सिद्धा, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी, क्या कहना चाहेंगी कि हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, लफ्ज़ अमानत हैं, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका असर उन पे क्या हो रहा है जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, क्या कहेंगी? आई थिंक मैं बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन स्टिल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी फैमिलीज को छोड़कर। सो आप हर कोई सिचुएशन में है और आप बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल यू कैन नॉट स्किप हॉस्पिटल, आपको जाना है, अपने बच्चों को छोड़कर घर जाते ही अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है। सो आई थिंक हमें इस तरह के वर्ड्स नहीं, बिकॉज नेचुरली दिल आजादी होती है और फिर वो चीज़ आपको मोरल बहुत डाउन करता है। आपको लगता है कि अच्छा इतना गबन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, किसी ने एहसास नहीं किया, तो मैं क्यों 18-18 घंटे अपनी जान हथेली पर रह के एक जॉब कर रहा हूँ या अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं जल्दी से करना चाहूँगी। हमारे साथ अब हाजी हनीफ साहब मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स मजीद मुतासर हो रहे हैं, जो खून के एहतियात रेगुलरली आते थे उसमें कुछ कमी आई है, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करी है, मैं जानना चाहूँगी। जी हाजी साहब, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कोरोना वायरस के दिनों में और लॉकडाउन की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। सही, जाहिर है कि मरीज की जो पोजीशन उसके मुताबिक डॉक्टर महीने में एक मरतबा, महीने में दो मरतबा, बाज़ औक़ात इससे ज़ायद भी जी उनका ब्लड चढ़ाने और उनके ट्रांसफ्यूजन के लिए जी रेफर करती है। अलमुस्तफ़ा के पास 125 ऐसे बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हम उनको ब्लड देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ब्लड तो हम कराची यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, जी सारी अनिली यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी से लेकर के नौजवानों को ब्लड उनको चढ़ाते हैं, लेकिन आना जाना लॉकडाउन की वजह से बंद है। बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपके जो पीछे से एहतियात दिए जाते थे वो तो इन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटीज इस वक्त बंद हैं, तो लॉकडाउन की सूरत हाल में आपका इदारा ये खून के एहतियात कलेक्ट कैसे कर रहा है? मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई खून का एहतियात देना चाहे तो वो क्या कर सकता है, किस तरह राबता कर सकता है आपसे? लॉकडाउन के दौरान जी जो खून का एहतियात देने के लिए आ नहीं सकते, सही, उनको आने जाने का प्रॉब्लम है, रास्ते में रुकावटें हैं, तो इसलिए उनका इसका इलाज ये है कि वो, मैं अभी नंबर बोलूंगा, वो नंबर आप एहतियात से नोट कर लीजिए, सही, 02134820101 से लेकर 07 तक, ये 7 नंबर अलमुस्तफ़ा के मौजूद हैं जी। आप इस पर फोन करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपकी कतई माफ़ी चाहूँगी, नंबर्स हमने नोट कर लिए हैं, वापस आके मैं उनको दोहराऊंगी भी। अगर आप खून का अतिया देना चाहते हैं, यह सदका जारी है, आप इस कार्य खैर में ज़रूर हिस्सा लें। सिद्रा, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। नईम साहब हमारे साथ मौजूद होने का, इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं वो मौके तलाश कर रहे हैं कि कहाँ वो वॉलंटियर करके आगे आ सकें। सबसे पहले मुझे बताइए कि किसका आइडिया था कि वो मंदिरों में जाके, मसाजिद में जाके और चर्चेस में जाके उसको डिसइंफेक्ट करें? इसमें आइडिया नहीं बल्कि हमारा काम का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। मैं आपको बताऊँ, जब ये सैलाब आया था ना सिंध में जी, तो उस वक्त भी जमात इस्लामी और अलखिदमत ने लोगों की खिदमत की थी, और पूरी पूरी बस्तियां जो ज़ाहिर हमारी हिंदू कम्युनिटी की बस्तियां थीं, खासतौर पर जैकबाबाद और उस तरफ, तो हमने तो ये देखा ही नहीं कि वो कौन है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चन है, सबकी खिदमत की थी और सब ने इसको सराहा था। और अब भी जब हम लोगों ने कहा कि यार जहाँ जहाँ लोग जाते हैं और जो हम कर सकते हैं वहाँ पर जाकर जो है इसको डिसइंफेक्शन के लिए आप करें, तो ज़ाहिर रास्ते में जब मंदिर आया तो लोगों ने कहा यार इसको भी करना चाहिए, लोग तो यहाँ भी जाते हैं। तो इसलिए ये तो हमारा, देखिए हमारा दीन भी इस बात की न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि तलकीन करता है कि इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं, उनका जीने का हक, उनकी हिफाजत का हक और उनके जितने भी एक ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं वो सब बराबर हैं। और ज़ाहिर जो दीन है वो अपनी जगह, वो मज़हब उनका हिंदू है, हमारा मज़हब इस्लाम है, लेकिन तो हमें लेकिन इसमें कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए जब इंसानियत का मामला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ जब हमने काम किया और ज़ाहिर इन लोगों को ये अच्छा लगा, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और मैं अभी यही कहता हूँ कि हम तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अलखिदमत काम कर रही है,
और आपको मालूम है जो इस वक्त एक ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन है। और इसमें भाई एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कई दफ़ा हम समझे वे चीज़ों को बगैर उस पर कॉमेंट कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक मॉब मेंटालिटी आती है ना वहाँ पे। अभी हाल ही में एक मैंने कल देखा और मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से, जैसे बहुत अच्छे हमारे मुस्तनद इदारे हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं और यकीनन इस वक्त भी पेश हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको मुश्किल का सामना ना हो। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि वही लोग जो यानी हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरे मजाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर वो इस लाइन में जाके खड़े होते हैं तो बाकायदा कई दफ़ा उनको कह दिया जाता है कि ये आपके लिए नहीं है। अब इसमें अगर आप एक शरई मसला देखें तो क्योंकि ये जो राशन बैग्स हैं वो तैयार किए गए हैं ज़कात के अमाउंट से भी, और ज़कात सिर्फ आप मुसलमानों को दे सकते हैं, तो क्या तरीका है कि ये मुस्तनद इदारे कोई दो शाखों में बांट लें, खैरात और दूसरे दिए गए जो इमदाद है उससे तमाम लोगों की मदद हो जाए? नहीं नहीं, ये देखें मैं आपको बताऊँ, हर इदारे में इस बात का वो होना चाहिए। हम तो अपने अलखिदमत में इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और ये आज से नहीं, हमारी जो माइनॉरिटी विंग है जमात इस्लामी का, उनके ईस्टर के मौके पर और क्रिसमस के मौके पर जब उन लोगों को ज़रूरत होती है तो हम राशन बैग्स उनको भी प्रॉपर तरीके से देते हैं और अभी भी हम कर रहे हैं। इसमें ज़कात और नॉन ज़कात दोनों तरह से लोग जो है वो जमा कराते हैं पैसे और उसको हम मैनेज करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ये सलाहियत होनी चाहिए। और इस मौके के ऊपर जब इस तरह का जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इसमें तो शरई तौर पर भी इस बात का आप हर आदमी को तो तलाश नहीं कर सकते ना कि लाइन में खड़ा हुआ आदमी है। अव्वल तो लाइन वाला भी एक अलग मौजू है, इस पर बात करनी है कि लाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस्लाम में तो जो असल में अगर रियासत इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काम कर रही हो तो उसमें तो ज़कात रियासत जमा करती है, पर जब रियासत जमा करती है तो रियासत उसको अपनी आवाम के ऊपर बिला तफसीस खर्च करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो सूद का निज़ाम है जो कि इस्लाम के माशी निज़ाम के बिल्कुल बरखिलाफ़ है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग में मुब्तला और बहुत सारी चीज़ें सोचने की हैं कि अब हम पलट आएँ अल्लाह की तरफ। तो पलट आने का मतलब सिर्फ नहीं होता कि मैं तौबा कर लूँ, पूरी इज्तिमाई तौर पर पूरा निज़ाम तौबा करे और हम सब मिलकर अल्लाह के निज़ाम में रहमत में आए। और ख़ास तौर पे अपने आप को अपने ये रिफ्लेक्शन का वक्त हमें मिला है। यानी हम पहले हर दफ़ा मैं ये आपसे बात करती हूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन थी ना कि मैं काम में अभी मसरूफ़ हूँ, अभी फ़लाने काम में मसरूफ़ हूँ, अब आपकी अल्लाह ताला ने ख़ुद वो सारी मसरूफियात आपसे ले ली हैं और कहा है कि जो बेसिक्स हैं उसके बारे में सोचें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे कि सूबा सिंध की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक कम्प्लीट लॉकडाउन होगा और ये आपके मफाद के लिए है। इसमें जो मुगालता है या कहीं आपके जहन में ये वसवसा है, मसाजिद को बंद नहीं किया जा रहा, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इज्तिमात पे कोई पाबंदी भी नहीं है। एक तरह से मैं पाबंदी का लफ्ज़ मुझे बड़ा सख्त लफ्ज़ लगता है, लेकिन इस वक्त मौका महल के इदराक ये है कि आप समझ बूझ से काम लेते हुए अपने और अपने प्यारों के लिए घर में बाजमात नमाज अदा करें। और जिस तरह के हम शुरू में भी बात कर रहे थे, आप हरम मुबारक, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम दोबारा जाएँ, लेकिन जब अज़ान की आवाज़ होती है, जहाँ जहाँ तक सफ़े हैं, जहाँ जहाँ तक आप उस अहाते में, अगर आप मताफ में पहुँच ना भी पाएँ, आप चार दीवारी में पहुँच ना भी पाएँ, आप उस जमात का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। नंबर एक, ये जो सैनिटाइजिंग गेट्स इस्तेमाल हो रही हैं मसाजिद में और वेजिटेबल की मार्केट में इस्तेमाल हुआ है, इसमें मुझे ये बात करनी कि इसमें ना ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है फॉग के तौर पर। ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है डिकंटेमिनेट करने के लिए मशीन्स को और प्रोटेक्टिव सूट्स को। ये फॉग इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसान लोग इसमें से पास कर रहे हैं, बच्चे इसमें से पास कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है और ये इसका तो जो ये कहती है ये 1% से ज्यादा का सॉल्यूशन जो है ये बना के आप इनहेल भी नहीं कर सकते। अगर ये इनहेल करेंगे तो सारी और ज्यादा वो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, ये हम लोग आजकल बहुत सारे अभी ये आइसोलेशन में फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं तो वायरस के आप देख चुकी हैं, आपके यहाँ एक प्रोग्राम भी हो चुका है जी। मुझे नहीं पता किस सर्विस हुआ, लेकिन ये हॉस्पिटल्स के वेस्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं। हमारे समुंदर के पास भी हॉस्पिटल वेस्ट पड़े नजर आते हैं और बहुत जगह तो ये इतनी करप्शन है कि ये दिख रहे होते हैं। तो ये अभी बहुत ज्यादा इसको देखने की जरूरत है कि हॉस्पिटल वेस्ट का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, जब ये कोरोना, आई थिंक यू हैव पॉइंटेड आउट टू वेरी की इश्यूज, जिसको कहना चाहिए ना, इसमें हमारी एथिक्स आ जाती है भाई। अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम है ना, हमारी तरजीहात की टेबल में ये सबसे
से नीचे होता है, लेकिन इस पर गुफ्तगु करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये दो बहुत की एलिमेंट्स को उठाने के लिए। नहीं भाई, आपसे भी बात करूंगी कि भाई हर शख्स जितनी उसकी इस्तेआत है, जितनी उसकी नॉलेज है, शायद कर रहा है। सैनिटाइजिंग गेट की बात हुई, ये देखे बगैर कि शायद केमिकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो मुजर सेहत है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के हमने सैनिटाइजिंग गेट्स लगा दिए। दूसरी तरफ जो इन्होंने बात बिल्कुल सही की है कि चाहे वो आइसोलेशन सेंटर्स हों, फील्ड हॉस्पिटल्स हों या एक्चुअल हॉस्पिटल्स हों, अब आपका जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए थे जी हमारे एक कॉलर ने। उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल वेस्ट मटेरियल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। हमने गुज़िश्ता सालों में, महीनों में देखा कि इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। साहरे समंदर पे आपको मिली हैं बाकायदा चीज़ें जो कि अस्पताल का वेस्ट शुदा मटीरियल था, सिरिंजेस थी, बैंडेजेस थी, हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करें तो मसला इतना सा है, उसको हम कई गुना बढ़ा देंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? Oops, I think ये कॉल डिसकनेक्ट हो गई हमारा। अगर आपके पास नंबर है तो मैं अपनी तीसरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको दोबारा कनेक्ट कर लें। नहीं भाई, इस वक्त जो मसला बन गया था, यानी मैं देखती हूँ कि पूरी दुनिया एक सिम्त में जा रही होती है, हमारे यहाँ मीडिया पे डिस्कोर्स ही अलग होती है। पहले हम बहुत अरसे तक लॉकडाउन की डेफिनेशन पे बहस करते रहे कि लॉकडाउन है क्या, फिर उसके बाद हमने जाने अनजाने एक बहस में हम मुब्तला हो गए जुम्मे की नमाज या इज्तिमात की पाबंदी के हवाले से। इस पे आपका क्या नज़रिया है? अच्छा, देखें एक एक करके हम ज़रा देखते हैं। ये जो लॉकडाउन वाला इशू था ना जी, जब शुरू में ये सब मसला बहरानी सूरत पैदा हुई तो सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, सबको बुलाया, हमने भी तमाम जमातों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, और जब उन्होंने सारी सिचुएशन रखी तो हम सब ने एग्री किया कि यार आप करें और इसमें जो एहतियातें हो सकती हैं, लोग तंग ना हो। और ये आपको लगता है जल्दी कर दिया? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक किया। अगर करना था ना तो चार दिन बाद करते, ज्यादा नुकसान होता, तो वो सही फैसला था। आप देखें ना, जिस दिन इमरान खान साहब ने तकरीर की कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, उससे अगले दिन उनकी सूबाई हुकूमतों ने कर दिया और रात को सिंध ने कर दिया। सिंध ने कर दिया, अब ये हर तकरीर के बाद इनकी हुकूमत कर देती है, तो ये तो खुद एक कन्फ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हैं ना अपने अंदर, तो पहले यकजाई पैदा करें। तो उन्होंने कर दिया। अब करने के साथ जो काम करने थे ना वो अभी तक नहीं हुए। जो लोगों को रिलीफ देने वाला काम था वो आज तक की तारीख में राशन की प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हमारी हुकूमत नहीं बना सकी, अनफॉर्चुनेट। और अभी भी इसमें जरिए से करें या नंबर से करें या फोन कॉल पे करें, हमने ऑफर किए कि यार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अलखिदमत ने खास तौर पर इस बात की कोशिश की है कि जो राशन तकसीम करें उसमें एक तो मुस्तहिक लोगों को आइडेंटिफाई करें, इसलिए कि इस तरह की जब क्योस होता है। क्या तरीका कार है? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उनका शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, आप लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, इलाके के हवाले से कर रहे हैं, हाउ? ये तो 12 दिन में कुछ भी नहीं कर सका ना विफाक ना सूबा, इसको देख ही नहीं सका कि कौन लोग हैं क्या है। जमात इस्लामी को एक एडवांटेज हासिल है कि चूंकि हमारी पूरी इस वक्त जो जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं ना, हमने उसको अलखिदमत के रजाकारों में तब्दील कर दिया, हमने अपनी सारी सरगर्मियां खत्म कर दी, हम ग्रास रूट लेवल पर हैं। आपके पास एक फील्ड फोर्स मौजूद है, तो हमें तो गली मोहल्ले का पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन आदमी मुस्तहिक है और कौन नहीं। और इसमें सफेद पोश लोग जो बेचारे मांगने की हौसला ही नहीं रखते, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जो कभी कतार में नहीं जो नहीं आएंगे, कभी हाँ। भी नहीं आएंगे, बल्कि वो कॉल नहीं करेंगे कि हमें राशन दो, क्योंकि जब उनके घर पे कोई इस तरह से राशन लेकर आएगा तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते मोहल्ले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं, और हम ये तो नहीं कहते कि 100%, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो घर पे जाकर इज्जत नफ्स के साथ राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसका ये फायदा ही इस वक्त है कि हम सिर्फ एक एनजीओ नहीं है कि हमारा एक ऑफिस मौजूद हो, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर वर्कर्स। कल मैंने एक बात रेज की घराने की, जहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बीवी हैं, सिर्फ जरूरत राशन तो नहीं है। हाँ, आप मुझे बताएं कि बिजली का बिल है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है, कोई बीमार है तो उसकी दवा, इसके लिए क्या किया जाए? भाई इसके लिए तो हमने मुसलसल पहले दिन से ये डिमांड की कि यार 2 महीने के लिए तो बिजली का बिल मौखर कर दें, माफ कर दें, कोई एक स्लैब बना लें। 240 अरब के इलेक्ट्रिक को पहले ही नहीं मिला हुआ, तो वो बेचारे भी तो कैसे फंक्शन करते हैं? बेचारे नहीं है, एक तो उनको आप बेचारा मत कहें, उन्होंने तो
कई सौ अरब रुपए हमसे खा चुके हैं, हजार अरब रुपए खा चुके हैं। देखिए नाजायज, अभी मैं एक बात बताऊं, इस वक्त जो वही वाली बात जो मैं कह रही हूं, देखिए मैनेजमेंट ने हमारे इख्तलाफात, हमारा एक नजरिया अलग हो, लेकिन जो बेचारा इंजीनियर अभी भी निकल के काम कर रहा है ना, पीएमटी खराब होती है, हमारा जो इंजीनियर से तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, उनके उनके काम करने वालों से तो हमारे हिस्सा है, बल्कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही है जो लोगों को नहीं पता चलती। उनका प्रॉब्लम क्या है, ये अबराज ग्रुप है, एक प्राइवेट एंटिटी है, और अबराज ग्रुप का चूंकि तीनों पार्टियों चारों पार्टियों के साथ बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, और इमरान खान के तो वो जाती दोस्त हैं आरिफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप के मालिक हैं, हमने तो रिक्वेस्ट की इमरान खान से, आपकी मौशी टीम का वो हिस्सा है बंदा, उससे कहो यार जायज़ ना जायज़ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर ओवर बिलिंग, सबको पता है बात। अच्छा, इससे एक और हल निकाल लेते ना, जैसे इन्होंने जब लोड शेडिंग की तो कहा गया कि भाई वो इलाके जो बाकायदगी से अपने बिल अदा कर रहे थे तो चले हम उनको रिलीफ देते हैं, उनकी लोड शेडिंग नहीं होगी। आई थिंक इस तरह का कोई तरीके का तो उनको तो रिवॉर्ड कर सकते हैं। सीएम ने कहा यार 4000 वाले बिल को जो है ना हम डेफर कर दें और उसको 10 किस्तों में ले लें, ये तो बहुत आसान बात, बहुत आसान, ये तो हो रहा है मेरे, नहीं हो रहा ना, उन्होंने सिर्फ 10 दिन की आगे बढ़ाई है कि 10 दिन के बाद जो है ना आप पेमेंट करें, और अब इस वक्त जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और पिछले चार्जेस जो उन्होंने से लगा के दिए, इंडस्ट्री हो रही है कि यार डबल डबल बिल आ गया है। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, मेरी टीम अगर सुन रही हो प्लीज, अगर हम के इलेक्ट्रिक से दूर से या किसी को लाइन पे ले सके तो उस पर थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी, लोग समझ भी जाएंगे इसको। जी बिल्कुल, और जो सीएम साहब ने डिफर की है पेमेंट, क्या वजह है कि वो अप्लाई नहीं हो पा रही, इफ वी कैन गेट हर ऑनलाइन। जी नहीं, अच्छा एक तो ये हो गया, तो बिजली और गैस तो देखें ये है भी वैसे ये विफाक का सब्जेक्ट, ये उनको चाहिए कि इनिशिएटिव लें और जितनी सब्सिडाइज सब्सिडी दे रहे हैं इसमें इसको शामिल कर लें। सही। एक अगर आप अमाउंट देखेंगे 1100-1200 अरब रुपए जो कि 658 मिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, पेंशनर्स की दवाई मिल सकती है फ्री, हो सकता है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अफसोस की बात यह है कि इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा, और आज तक की तारीख में सरकार की तरफ से न राशन मिला है न कोई सब्सिडी मिली है लोगों को, तो ये अफसोसनाक बात है। तो डिसीजन कोई भी लें उसके साथ उसकी एक वर्किंग होनी, हमारा एक एनडीएमए है, एक पीडीएमए है, ये इसलिए नहीं होते कि जब डिजास्टर हो जाए तो आप सोचना शुरू करें, आपकी फंडिंग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एचआर है, आप पहले से काम करें। के काम को और उनके दायरा कार को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, जैसे अगर खुदा ना खासा कोई कुदरती आफत आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीनी चीजों को इमारतें जमीन बोस हो जाए, लोगों में बहुत ज्यादा इंतजार हो, उनको तकलीफ हो, वो जख्मी हो जाए, उसका विंग आपको अलग बनाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस तरह की प्रीएम्प्टिव तरीके से कोई इकोनॉमिक बहरान आने वाला है उसके लिए भी मोबिलाइज कर। अच्छा एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहती थी, लोगों ने कहा जी लॉकडाउन है, दुकानें बंद कर दी, दूसरी तरफ ये हुआ कि एक माफिया है, नामालूम अफराद हैं, कौन है हम नहीं जानते, जो उन्होंने इन बंद दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, जहां नफरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बेचारी ये इंश्योर कर रही थी कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, अब आपको एक और नफरी लगानी पड़ी दुकानों पर, ट्रेड सेंटर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर, कि लोग उनका सामान ना लूटें, ये क्या सितम ज़रीफ़ी है? अफसोसनाक बात यह कि देखें हम वो लोग हैं जो पुलिस को इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो बेचारे इस वक्त इस यानी फ्रंट लाइन पर खड़े हुए लोगों के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमारे एक पूरा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है कि रियासत जिसका काम लोगों को तहफ़ देना जान माल इज्जत आबू की, ये उसका काम है ना कि वो लोगों के जो है ना इन चीज़ों का इंश्योर करें। जब सब कुछ बंद है तो ये काम निस्बतन आसान है, रश में तो बहुत ज़्यादा आसान होता है ना कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो फेलियर रियासत का है ना, रियासत से मेरी मुराद ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें पुलिस का पुलिसिंग का एक निज़ाम है। और आपका क्या ख्याल है कि ये जितनी चोरियां चकारियां होती हैं, डाके होते हैं, इसमें से कितने परसेंट होते हैं जो सेल्फ इनिशिएटिव होता है और कोई कोई एहलकार इसमें नहीं मिला हुआ होता? ये भी एक सिस्टम है ना, चैन है करप्शन लूट मार की। तो ये इस 10 दिन के अंदर मैं इस पर सोचता हूँ कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है पूरी तरह एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। हमारी हुकूमतें ऐलान कुछ करती हैं, मैं नियत पर तो किसी के भी नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है आप मुझे बताएं। जो मास्क आ रहे हैं इमदाद की सूरत में वो बिक रहे हैं, जो मास्क आ रहे हैं बताया जाता है N95 में, कल हॉस्पिटल में गया कि 95 आएंगे, 4000 पता चला 500 निकले और वो N95 नहीं थे, वो स्पंज का एक मास्क बना के उनको दे दिया गया। ये डॉक्टर्स हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ है, ये नर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन एक मुजाहिद का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त, जो सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल वबा के आगे खड़े हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने हर चीज को एक पैसा कमाने का तरीका बना लिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, इस वक्त हर कोई कह रहा है कि हमने जो ना 200 रुपए पर सूट के हिसाब से हिफाजती गेयर बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हो सकता है डॉक्टर्स कि ट्रेन के पास मास्क हैं, एक अगर उन्होंने गेयर पहना है तो वो डिसइंफेक्ट कैसे होता है, उसको दोबारा पहनने के लिए क्या वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो कितने दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो हम बतौर मीडिया हमारे पास भी मौजूद नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए हम दो तरह के इसमें गाउन होते हैं, एक तो होते हैं कि जो वैसे डिस्पोज ऑफ करने होते हैं,
अब इस वक्त की सिचुएशन में तो खुद अमेरिका में भी ये हो रहा है कि उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि रीयूज कर रहे हैं। और उसका एक तरीका ये होता है कि उसको 12 घंटे हवा में आप जाएं, उसमें लाइट अल्ट्रावायलेट ना दें, बल्कि हवा के अंदर उसको अगर रखेंगे तो वो हो जाता है डिसइंफेक्ट। और दूसरे होते हैं वो पैराशूट का जो कपड़ा होता है, वो ज़ाहिर कॉस्टली होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि क्या हमारी पूरी हुकूमत के पास ये सिस्टम नहीं था कि हमारी इंडस्ट्रीज तो बहरहाल चली रही थी ना, तो उनमें से इस काम को कर लिया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, तो हम खुद जाकर बहसियत अल खिदमत के लोगों को, टेक्नोलॉजी ने, आप सिंगापुर देखें, दे वर एबल टू ट्रैक, वो क्या था, केस 31 था या 37 था, उन्होंने खातून की मूवमेंट बकायदा ट्रैक की और कहा इन्होंने 514 लोगों को इन्फेक्ट किया है। इतना डेटा हुकूमतों के पास होता है, लेकिन फिर उस डेटा के साथ आपने फौरी तौर पर डिसीजन लेना होता है, हरकत में आना होता है, चीज़ों को करना होता है, सिर्फ अनाउंसमेंट से काम नहीं चलेगा। इस वक्त कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं मलिक नदीम बात कर रहा हूं, सियालकोट से। जी नदीम साहब, क्या कहेंगे? मेरा सवाल नदीम साहब से है कि देखिए, नमाज जुमा पे हमें पाबंदी लगा दी, ये हमारे जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, इनके सारे ग्रोसरी स्टोर जो है ना, ये सारे खुले हुए हैं और इतना रश होता है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जैसे जमात इस्लामी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, राशन तकसीम का बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने निजाम दिया, हमारी हुकूमत से क्यों नहीं होता? सही सही, इन्होंने जो है ना वो सिर्फ टीवी पे आके बयान देना होता है, बस ठीक है जी ये हो गया, लेकिन अमली तौर पर इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। गरीब लोग वैसे ही घर में बैठे हुए, ना उनको राशन पहुंच रहा, ना उनको कोई पेमेंट मिल रही। बहुत बड़ा क्लेम था ना नदीम साहब, जब बयान दिया गया कि घर बैठे राशन मिलेगा, लेकिन आपकी बात सही है, इस वक्त इतना बड़ा ये कॉज है, इतना बड़ा इसके लिए आपको चीज़ों को मोबिलाइज करना है, घर तक पहुंचना है, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिस्टम एक्सपोज हुआ है। हमने बड़े बड़े नाम, हमने इनिशिएटिव्स के नाम रखे और हमने बड़ा उसको पसंद किया, कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बड़ी तकरीबात हुई, लेकिन आज जब उसको टेस्ट करने का वक्त आया तो नज़र ये आ रहा है ये सिर्फ एक क्लेम ही था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपके उठाए हुए इन दोनों इश्यूज पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त जो तश्वीशनाक सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सिर्फ इस खित्ते का यानी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला नहीं, जहां हमारे पास वसाइल कम है। जो बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी संगीन सूरत हाल है वो ये कि इवन द बेस्ट ऑफ मेडिकल केयर, यानी अगर आप यहाँ पे कोई बीमार होता था उसके बाद वसाइल होते थे, वो कहता जी मैं लंदन जा रहा हूँ, अमरीका जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। और हम इसी सूरत हाल को अवॉइड करना चाह रहे हैं कि हमारे मेडिकल, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जो ऑलरेडी बहुत दबाव का शिकार है, उस पर अल्लाह ना करे कि ये बोझ पड़े। लेकिन आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हुई हुई है, ये एक अमेरिकन नर्स की वीडियो है जिसको आज अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा, बिकॉज उसके लिए भी जाहिर सी बात है उसके बच्चे, उसका खानदान इंपॉर्टेंट है, और कहा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने फर्ज को निभाना था, लेकिन हमारे पास गेयर मौजूद नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्टिव मास्क नहीं है, गेयर्स नहीं है, तो हम क्या करें। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हुई भी है। I went into work and I was assigned to a COVID patient on an ICU unit that has been converted to a designated COVID unit. None of the nurses are wearing masks, not even surgical masks, in the hallways when they're giving report to each other. Why? But let me protect myself. Let me feel safe. I have family that I have to come home to, and the way things are looking, आप इस तरह की वीडियोस देखें तो आपका दिल दहल जाता है। एक सिंपल सी चीज़, यानी हम अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमें भी तो तहफ़ दीजिए, हमें वो बेसिक मास्क, वो गेयर दीजिए, ताकि हम अपना फ़र्ज अदा कर सकें। ये वो मांग रहे हैं वो आपसे, वो टूल्स मांग रहे हैं जिसके ज़रिए वो इस वक्त राहत पहुंचा सकें, लोगों को शिफा याब कर सकें। नहीं भाई, यही सूरत हाल हमारे यहाँ भी है। आप देखें कि सबसे पहले हमने देखा डॉक्टर उसामा ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इसी फ़र्ज की राह में अनएक्सपोज्ड
गॉड नोज उनके सामने क्या सिनेरियो था, लेकिन एक यंग बंदे का, हम कहते हैं ना आमतौर पर आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है, क्या कहेंगे ये? नहीं देखें, ये तो देखें बहरहाल इसमें बहुत सी बातें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो ताकतें जो एटम बम यूज़ कर रही हैं, सुपर कंप्यूटर्स बना रही हैं, जो पूरी दुनिया में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स देख लेती हैं, उनको एक छोटे से ऐसे कीड़े ने जो नज़र भी नहीं आता, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इस पर तमाम इंसानों को सोचना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा अल्लाह के आगे, और सबको इस वक्त क्या अमरीका और क्या पाकिस्तान और क्या चाइना, सब एक लेवल पर आकर खड़े हो गए हैं। किसी की टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही है, ये अल्लाह की कुदरत और ताकत है, उसका लश्कर है। और ये भी तो देखे ना कि हमें हमेशा महफूज फील करने के लिए जो कहा जाता था कि भाई हम मिसाइल खरीद लें, हम ये कर लें, और मैं हमसे मुराद मेरी पूरी आलम इंसानियत है, ये जहाँ की आपने वीडियो देखी है उसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर है, वो दुनिया को बम भेजते थे, मिसाइल्स भेजते थे, इनकी वजह से हमें एटम बम रखना पड़ता था जी, है इनकी वजह से, वरना हमें थोड़ी एटम बम चाहिए। तो अब ये सूरत हाल है। और दूसरी बात यह है कि देखें उनका सिस्टम भी नहीं दे पा रहा। हमारी प्रॉब्लम थोड़ी मुख्तलिफ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो ये फैक्टर है ना, हमारे पास चीज़ें हैं और हमारे पास इनसे कहीं ज़्यादा बहादुर लोग मौजूद हैं। ये तो देखें एक औरत बच्ची लड़की सामने आ गई है, हमारे यहाँ तो हज़ारों डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त फुली एक्सपोज काम कर रहा है, पता नहीं अल्लाह ने क्या इनके अंदर तवक्कुल पैदा किया हुआ है, इनको सलाम लेकिन नहीं भाई ये कोई बहादुरी लेकिन बहादुरी नहीं है, लेकिन करें क्या? जब ये बेचारे बात करते हैं, आपने भी देखा कि पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबाई कह रही थी कि ये तो वक्त ऐसा है आपको आगे आना चाहिए, उनको तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्या बात अपनी ही फिटरिटी, उनके कमाल की बात कर रहा हूँ कि जो जान जोखों पर रखे हुए, लेकिन उनका तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, तो इसलिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे, ये है अफसोसनाक बात। एक एनजीओ होकर हम अस्पतालों में जाकर चीजें तकसीम कर सकते हैं जो हमारे बस में है, तो भाई आप रियासत और हुकूमत हैं, स्टेट हैं, आपके पास वसाइल हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, और इतने दिन हो गए हैं इस पूरे मसले को, तो अब तक तो हो जाना चाहिए था ना। पाकिस्तान में तो टेक्सटाइल बनती है, वहां तो नहीं बनती, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो ये रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, कहीं ना कहीं ये सर्च आउट करते हैं कौन सी फैक्ट्री में पैराशूट का कपड़ा है, कौन से कहाँ है, कहीं से इम्पोर्ट हो सकता है, चाइना से आ सकता है इस वक्त, ये सारे काम तो एक हंगामी बुनियाद पर और इंटरकनेक्टेड होकर आपस में जुड़कर जो है ये काम होना चाहिए था, जो हम खुद कर सकते हैं। भाई विफाक अपने सूबों के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए कि हमारी कौम का क्या कसूर है इसमें। तो बहरहाल मैं इसमें एक पॉजिटिव बात ये जरूर कहूंगा, जहाँ बहुत खराबियां हमें नजर आ रही है, वहाँ हमारे मुआशरे में एक मरतबा फिर जिंदगी भी नजर आई है। सबको पता है कि अगले महीने का नहीं पता क्या होना है, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं, थोड़ी आमदनी वाले भी अल्लाह के ज़कात इस वक्त दे रहे हैं, ज़कात सबसे अच्छी बात ये कि जो इंतजार करते थे कि पहला रमजान हो, हमारा एक अकीदा भी है, सवाब आपको ज्यादा मिलता है, एक कब कई गुना ज्यादा मिलता है अगर वो रमजान का महीना हो, लेकिन लोगों ने इस वक्त मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ अहले खैर से कि वो बस अल्लाह पर तवक्कुल करें, तवक्कुल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, उसका वादा है, और आगे बढ़े और लोगों की मदद करें। पहली बात तो ये है कि किसी को मुलाजमत से ना निकाले, बिल्कुल ही जब आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके पास, जब तक अपने बच्चों की तरह उन लोगों को सोचें कि जिनके बच्चे का मुस्तकबिल आपकी फैक्ट्री के साथ वाबस्ता होता है। दूसरी बात यह कि इसमें तावुन करें, आगे बढ़ें, और तीसरा है कि सब मिलकर आवाज़ भी उठाएं कि जो मसला हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हुकूमत को अंजाम देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग इंशाल्लाह ताला इस पूरे बहरान से निकल सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर किसी इदारे को आपने अपने साल दिन महीने दिए हैं, अपनी मेहनत दी है, अपने दिन रात दिए हैं, तो इस वक्त वक्त है उनको अपने साथ लेकर चलने का। हो सकता है आप उनकी 100% उनकी सैलरी ना दे पाएं, कम दें, लेकिन किसी को बेरोजगार ना करें। एक आखिरी कॉलर हमारे साथ है। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ कि जो कह रहा है कि मैं विफाक प्राइम मिनिस्टर फंड में 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो अपने बंदों को जो है ना सैलरी नहीं दे रहा है। हाँ। वो इसलिए देगा वहां पर कि उसको पता है कि मेरा नंबर वहां से बनाकर रखनी है। अल्लाह से तवक्कुल नहीं हो रहा। करो भाई, ये मेंटेलिटी खत्म। यानी ये खैर ये एक पूरा एक अलग मौसू है कि जो तशहीर होती है हमारे यहाँ इमदाद की, उस पर कभी और बात करेंगे। एक आखिरी कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ट्रांसफर नहीं हो पा रही। नहीं भाई, आखिरी एक मैसेज, क्योंकि देखें बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे वो बोझ नहीं पड़ा। आज जुम्मे का दिन है, हम मुगालते में हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आप भी अपील करें लोगों से कि घर में पाजामा दे दें, क्योंकि वक्त और मौके की मुनासिबत। लेकिन दिल तो किसी का भी नहीं चाहता, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि उससे कहा जाए तुम जुमे की नमाज मस्जिद में जाके ना पढ़ो या मस्जिद ना जाओ। बहरहाल ये तकलीफ दे, और इसको तकलीफ समझ कर कबूल करना चाहिए, और वो लोग के जो इस पर बड़े मजाक उड़ाते हैं मजहबी दीनी लोगों के, उनको कम से कम अपने रवैयों को ठीक करना है, उनको भी तकलीफ होनी चाहिए। क्या ये तकलीफ में हैं तो हम मस्जिद जैसी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि उलमाए कराम का अगर इत्तेफाक है कि हाँ ठीक है इसको महदूद कर देना चाहिए, तो उसको उसी तरह रखा जाए। तीसरी बात ये कि FIR नहीं कटनी चाहिए उलमा की, इसमें लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जब
ग्रोसरीज के ऊपर और फला जगह के ऊपर और रश है और आप जाहिर है कि उसको अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो मस्जिद के इमाम ने क्या कसूर किया है कि आप उसकी एफआईआर काट दें? आपको वही कमजोर आदमी मिलता है, इस मौके पर ये काम ना किया जाए। इस पे तबकाती फर्क ना। और नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आखिर में बस एक मुझे वन लाइनर दे दें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल खिदमत जो हम काम कर रहे हैं इसमें मेडिकल सर्विसेज का और राशन का, और हम यही चाहते हैं कि इज्जत नफ्स के साथ काम करें। हमें इसमें सपोर्ट भी चाहिए। हमारे रजाकार हजारों की तादाद में अपने जान जोखों पर रखकर काम करें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे जो तआवुन कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। आप सबसे भी यही गुजारिश होगी कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, एहतियात से काम लें और यकीनन अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से गुजार देगा। हमारे लिए, हमारी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क और कौम को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान है तो हम हैं। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है पीर को इंशाअल्लाह ताला, और खुदा हाफिज़।